subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello guys, welcome to Hi-Tech Info YouTube channel. So guys, आज के इस वीडियो में हम असेंबल करने वाले हैं एक बजट i7 गेमिंग पीसी. तो इन सभी कंपोनेंट्स का यूज करके आज के इस वीडियो में मैं असेंबल करने वाला हूँ एक बजट i7 गेमिंग पीसी. तो गाइस, इन सभी कंपोनेंट्स का परचेजिंग लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूंगा. उस लिंक की मदद से आप इन सभी कंपोनेंट्स को परचेज कर सकते हैं. तो असेंबल शुरू करने से पहले मैं आप सभी को इन कंपोनेंट्स का नाम बता देता हूं. तो ये है एक SSD और ये है इंटेल i7 का प्रोसेसर और ये है एक HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव और ये है 4 GB की 2 DDR3 रैम और ये है H61 मदरबोर्ड और यह है DVD राइटर और यह है एक ग्राफिक कार्ड और इसे कहते हैं वाईफाई अडाप्टर और यह है CPU कूलिंग फ़ैन और इसे कहते हैं SMPS और यह है हमारा कैबिनेट और यह है थर्मल ग्रीस. तो आज के इस वीडियो में गाइस, मैं इन सभी कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करके एक बजट i7 गेमिंग PC असेंबल करने वाला हूँ. तो गाइस, इस वीडियो में मैं HDD और SSD दोनों का इस्तेमाल करने वाला हूँ. तो चलिए गाइस, PC असेंबल स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम इस मदरबोर्ड को देख लेते हैं. ये H61 मदरबोर्ड है और इस मदरबोर्ड की स्पेसिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं. सो गाइस, यहाँ पर आप मेमोरी सपोर्टेड में आप देख सकते हैं ये DDR3 रैम सपोर्ट करता है और ये अप टू 16 GB तक रैम सपोर्ट करता है और इसमें आपको PCIe स्लॉट भी मिल जाता है जिसमें आप ग्राफिक कार्ड भी लगा सकते हैं और सपोर्टेड CPU आप देख सकते हैं. इसमें 1155 का सॉकेट दिया गया है और साथ ही साथ ये इंटेल i7, i5 और i3 सीरीज़ के साथ कंपैटिबल है. तो चलिए गाइस, अब इस मदरबोर्ड को ओपन करके देख लेते हैं. मदरबोर्ड के साथ हमको ये SATA केबल मिली है साथ में. और ये है हमारा H61 मदरबोर्ड. मदरबोर्ड के साथ यहाँ पे हमको एक यूज़र मैनुअल दी गई है और यहाँ पर एक ड्राइवर CD भी है. तो सबसे पहले गाइस, हमको इस मदरबोर्ड में इस प्रोसेसर को इंस्टॉल करना है. वो कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ. तो गाइस, उससे पहले मैं आपको इस प्रोसेसर के बारे में बता देता हूँ. ये है इंटेल iCore i7 प्रोसेसर और इसकी क्लॉक स्पीड है 3.4 GHz. और इस प्रोसेसर की खास बात यह है कि गाइस, इसमें हाइपर थ्रेडिंग का ऑप्शन दिया गया है. तो चलिए गाइस, अब हम इस प्रोसेसर को इंसर्ट कर लेते हैं इस मदरबोर्ड में. प्रोसेसर को मदरबोर्ड में कैसे इंस्टॉल करना है मैं आपको बता देता हूँ. तो यहाँ पर आप इस प्रोसेसर में देख सकते हैं, यहाँ पे एक ट्रायंगल का मार्क है, एकदम एज में यहाँ पर एक ट्रायंगल का मार्क है. इसी प्रकार से इस मदरबोर्ड के भी यहाँ पर एक ट्रायंगल का मार्क दिया गया है. तो आपको क्या करना है, इन ट्रायंगल के मार्क को मैच करके इस प्रोसेसर को इंसर्ट कर लेना है. के बाद इस प्रकार से आपको इसको बंद कर देना है. सो एज यू कैन सी, यहाँ पर हमने मदरबोर्ड में प्रोसेसर को इंस्टॉल कर लिया है. अब आपको इस प्रोसेसर के ऊपर लगाना होगा इस थर्मल ग्रीस को. मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे लगाना है आपको. यहाँ पर आपको थर्मल ग्रीस की थोड़ी सी क्वांटिटी इस प्रोसेसर के ऊपर लगा देना है इस प्रकार से. तो यहाँ पर हमने प्रोसेसर के ऊपर थर्मल ग्रीस लगा दिया है. थर्मल ग्रीस से प्रोसेसर का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है. अब आपको इंस्टॉल करना है इस CPU कूलिंग फ़ैन को. तो अब गाइस, इस CPU कूलिंग फ़ैन को हमको इंस्टॉल करना है इस मदरबोर्ड में. कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ. तो यहाँ पर गाइस, आप देख सकते हैं 4 पॉइंट है. इन पॉइंट में आपको इस फ़ैन को इंस्टॉल कर देना है. बस आपको इसको अंदर डालना है और ये जो नॉब है इस नॉब को घुमा देना है हल्के से. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने मदरबोर्ड में CPU कूलिंग फ़ैन को भी इंस्टॉल कर दिया है. अब इस CPU कूलिंग फ़ैन की केबल को आपको लगाना है इस मदरबोर्ड में. आपको कहाँ पे लगाना है मैं आपको दिखा देता हूँ. यहाँ पर आप मदरबोर्ड में देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है CPU फ़ैन 1.
यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है सीपीयू फैन वन। यही पर ही हमको इस केबल को लगाना है, इस सीपीयू कूलिंग फैन के केबल को हमको यहाँ पर लगाना होगा। सो एज यू कैन सी यहाँ पर हमने सीपीयू कूलिंग फैन को भी इंस्टॉल कर दिया है मदरबोर्ड में। अब हम ले लेते हैं इस रैम को। ये मदरबोर्ड का 16 GB तक रैम सपोर्ट करता है, लेकिन अभी हम इसमें 2 RAM लगाने वाले हैं 4 GB की। तो रैम आपको कैसे लगानी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं रैम में यहाँ पर एक कट है, इसी प्रकार से इस मदरबोर्ड के सॉकेट में भी यहाँ पे कट दिया गया है। तो इन कट को मैच करके आपको इस रैम को इंसर्ट कर देना है सॉकेट के अंदर। यहाँ पर गाइस इस मदरबोर्ड में आपको रैम के 2 स्लॉट मिलते हैं, तो इन 2 स्लॉट में आप 2 RAM इंसर्ट कर सकते हैं। तो इन कट्स को मैच करके आपको इस रैम को इंसर्ट कर देना है। जब आप रैम लगाएंगे तो ये जो लॉक है ये लॉक अपने आप लग जाएगा। सो एज यू कैन सी यहाँ पर ये लॉक लग चुका है। तो हमने एक रैम लगा ली है, अब हम दूसरी रैम को भी लगा लेते हैं। आपको इन कट का ध्यान रखना है, इन कट को मैच करके आपको लगा देना है रैम को। सो एज यू कैन सी वी हैव इंस्टॉल बोथ ऑफ दैट रैम। रैम को गाइस आपको अच्छे से लगाना होगा, क्योंकि अगर रैम अच्छे से नहीं लगाओगे तो शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस रहते हैं। सो मेक श्योर आपकी रैम अच्छे से लगे हो आपके मदरबोर्ड में। तो गाइस अब हम ले लेते हैं ये हमारा कैबिनेट। तो इन सभी कॉम्पोनेंट्स का परचेजिंग लिंक गाइस मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट सेक्शन में शेयर कर दूँगा। उस लिंक की मदद से आप इन सभी कॉम्पोनेंट्स को परचेज कर सकते हैं। तो एज यू कैन सी यहाँ पर हमने कैबिनेट को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर आपको ये कैबिनेट की केबल लगानी होगी इस मदरबोर्ड में। कैसे लगानी है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 7 केबल दी गई है। तो सबसे पहले तो गाइस हम इन 2 केबल को लगा लेते हैं। यह है एक USB और एक ये है एक ऑडियो की केबल। तो सबसे पहले हम इन 2 केबल्स को लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हम लगाते हैं इस USB की केबल को। तो ये USB केबल कहाँ पर लगेगी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मदरबोर्ड में यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर USB 1 का यहाँ पर एक पोर्ट दिया गया है। तो इसी USB 1 के पोर्ट में आपको इस USB केबल को लगानी है जो आपके कैबिनेट से आ रही है। तो इसको हम लगा लेते हैं। यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं ये जो कोने वाला जो पॉइंट है ये बंद है। तो इसी प्रकार से आपको देखकर इस केबल को लगाना होगा। तो हमने इस USB केबल को लगा लिया है जो कैबिनेट से आ रही है। अब हम इस ऑडियो की केबल को लगा लेते हैं। ये मदरबोर्ड के यहाँ पर आप एक पोर्ट देख सकते हैं। इस पोर्ट के आगे यहाँ पे लिखा भी है ऑडियो 1। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा है ऑडियो 1। इसी पोर्ट में हमको इस केबल को लगाना होगा। तो यहाँ पर हमने आउट ऑफ 7 हमने 2 केबल लगा ली है। अब ये 5 केबल और बच रही है। ये 5 केबल आपको कहाँ लगानी है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस इन बाकियों की केबल को लगाने के लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी इस यूज़र मैनुअल की। ये यूज़र मैनुअल हमको मदरबोर्ड के साथ ही मिली है। तो इस यूज़र मैनुअल को फॉलो करके हम इन बाकियों की केबल को लगा लेते हैं। तो यहाँ पर गाइस आप देख पा रहे होंगे कि इन केबल्स के ऊपर यहाँ पर कुछ लिखा है, जैसे कि रीसेट स्विच और पावर LED प्लस, पावर स्विच और ये पावर LED माइनस और ये HDD प्लस माइनस। आपको इस यूज़र मैनुअल को फॉलो करके इस मदरबोर्ड में इन सभी केबल्स को लगा लेना है। तो ये सभी केबल कहाँ लगेगी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप मदरबोर्ड के एज में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो ये सभी केबल गाइस मदरबोर्ड के यहाँ पर लगेगी। तो चलिए गाइस इन सभी केबल को लगा लेते हैं हम मदरबोर्ड में इस यूज़र मैनुअल को फॉलो करके। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर एक पॉइंट नहीं है। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पर इस मदरबोर्ड में भी देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, लेकिन यहाँ पर खाली है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर खाली है, जैसे इस यूज़र मैनुअल में दिया गया है यहाँ पर खाली है और इसी प्रकार से यहाँ पर भी खाली है। तो इसको फॉलो करके हमको इन केबल्स को लगा लेना है। तो गाइस इस यूज़र मैनुअल को फॉलो करके हमने कैबिनेट में से निकल रही सभी केबल्स को लगा लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 7 केबल को लगा दिया है मदरबोर्ड में। तो लगभग गाइस हमारा PC असेंबल हो चुका है। अब हम लगा लेते हैं इस SSD को। तो गाइस अगर आप एक गेमिंग PC असेंबल कर रहे हैं तो उसमें ये SSD लगाना बहुत ज़रूरी है। यह है गाइस सॉलिड स्टेट ड्राइव 240 GB की। ये SSD आपको कैसे लगाना है मदरबोर्ड में आपको बता देता हूँ।
इस मदरबोर्ड के साथ आपको यहाँ पर साटा केबल दी गई है, तो इन साटा केबल का यूज़ करके आपको इस SSD को लगाना होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे SSD में यहाँ पे दो पोर्ट दिए गए हैं, एक SMPS के साथ कनेक्ट होगा और दूसरा आपको साटा केबल के साथ कनेक्ट करके आपको मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करना है। और यहाँ पर गाइज आपको ये कट का थोड़ा ध्यान रख के आपको इस साटा केबल को इंसर्ट कर देना है। तो गाइस SSD लगाने से आपका PC काफ़ी जल्दी बूट होता है। और जो भी आपके गेम है, मैं आप सभी को यही सजेशन दूंगा कि आप इस SSD में ही इंस्टॉल करें, क्योंकि गाइस ये SSD जो होती है HDD से काफ़ी फास्ट होती है। तो जो भी आपका गेम है वो आपको SSD में ही इंस्टॉल करना है। तो इस SSD को हमने कनेक्ट कर लिया है SATA केबल के साथ, और अब इस दूसरे एंड को हम कनेक्ट कर लेते हैं मदरबोर्ड में। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मदरबोर्ड में यहाँ पे साटा के लिए 4 पोर्ट दिए गए हैं, तो इनमें से किसी भी पोर्ट में आप इस केबल को लगा सकते हैं। तो एज यू कैन सी हमने इस SSD को लगा लिया है अपने मदरबोर्ड के साथ। अब गाइस हम ले लेते हैं ये SMPS, ये 450 वॉट का SMPS है। इस SMPS को आपको इंस्टॉल करना है कैबिनेट के अंदर। इस प्रकार से आपको SMPS को इंस्टॉल कर देना है कैबिनेट में। SMPS से गाइस पावर सप्लाई होती है थ्रू आउट ऑल द कॉम्पोनेंट्स। तो SMPS को कस लेने के बाद हम इन कॉम्पोनेंट्स में पावर दे देते हैं। तो सबसे पहले हम लगाते हैं इस 24 पिन प्लग को। ये 24 पिन प्लग लगेगा मदरबोर्ड के इस सॉकेट में। तो एज यू कैन सी यहाँ पर हमने 24 पिन प्लग लगा दिया है मदरबोर्ड में। अब हम इस SSD में भी पावर दे देते हैं। तो गाइस ये सभी स्टेप्स जो भी मैं कर रहा हूँ, ये सभी स्टेप्स आपको इस मदरबोर्ड को कैबिनेट के अंदर इंस्टॉल करने के बाद ही करना है, लेकिन मैं आप सभी को दिखाने के लिए इस मदरबोर्ड को अभी अंदर इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। तो अब गाइस हम इस SSD में भी पावर दे देते हैं। तो ये SMPS से केबल आ रही है, तो इस केबल को हम लगा लेते हैं इस SSD में। तो आपने देखा यहाँ पर हमने SSD में पावर दे दिया है। इस SSD को गाइज हमने SATA केबल की मदद से मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट कर लिया है, और साथ ही साथ हमने इसमें पावर भी दे दिया है SMPS से। हम गाइज 240 GB की SSD यूज़ कर रहे हैं, और साथ में हम ये 8 GB की RAM भी यूज़ कर रहे हैं, तो जिससे कि हमारा PC काफ़ी फास्ट वर्क करेगा। तो गाइज हमने इस मदरबोर्ड में प्रोसेसर लगा लिया है, प्रोसेसर के ऊपर हमने CPU कूलिंग फ़ैन लगा लिया है, और हमने इस SSD को कनेक्ट कर लिया है इस मदरबोर्ड और SMPS के साथ, और हमने ये SMPS भी लगा लिया है, और साथ ही साथ हमने कैबिनेट में से निकल रही सभी केबल्स को इस मदरबोर्ड में लगा लिया है। और अब हम लगा लेते हैं इस हार्ड डिस्क ड्राइव को। ये गाइस 3.5 इंच की इंटरनल HDD है। जैसे आपने इस SSD को लगाया, सेम उसी प्रकार से आपको इस हार्ड डिस्क को भी लगाना है। तो हमने हार्ड डिस्क के साथ SATA केबल लगा लिया है, और अब हम इस SATA केबल के दूसरे एंड को लगा लेते हैं हम SATA पोर्ट 2 में। तो हमने इस मदरबोर्ड में SATA केबल को लगा लिया है। तो हमने गाइस SSD और HDD दोनों लगा लिया है। तो गाइस अब हम ले लेते हैं ये DVD राइटर। DVD राइटर को भी आपको सेम इसी प्रकार से लगाना है जैसे हमने HDD और SSD लगाई, सेम इसी प्रकार से हमको इस DVD राइटर को भी लगाना होगा। सबसे पहले हमको लेना होगा ये SATA केबल, और SATA केबल के एक एंड को हम लगा लेंगे इस DVD राइटर में, और इस दूसरे एंड को हम लगा लेंगे इस SATA पोर्ट 3 में। तो गाइस हमने इस मदरबोर्ड में 4 GB की 2 RAM लगा दी है, 240 GB का SSD लगा दिया है, और ये हार्ड डिस्क लगा दी है, और ये हमने DVD राइटर भी लगा दिया है। अगर आपका DVD राइटर लगाने का मन हो आप लगा सकते हैं, अगर DVD राइटर लगाने का मन नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो गाइस अब हम लगा लेते हैं इस वाईफाई अडाप्टर को। इस वाईफाई अडाप्टर को आपको इस USB पोर्ट में लगाना होगा।
तो एज यू कैन सी हमने वाईफाई अडैप्टर भी लगा दिया है वाईफाई कनेक्टिविटी के लिए। तो गाइस ऑलमोस्ट सभी कंपोनेंट हमने लगा दिया है इस मदरबोर्ड में। अब हम इस ग्राफिक कार्ड को भी लगा लेते हैं। तो गेमिंग पीसी के लिए गाइस ये ग्राफिक कार्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये है गाइस एक ग्राफिक कार्ड और इस ग्राफिक कार्ड में तीनों पोर्ट दिए गए हैं VGA, HDMI और ये DVI। तो इस ग्राफिक कार्ड को हमको इस मदरबोर्ड के PCIe स्लॉट में लगाना है। कैसे लगाना है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस मदरबोर्ड में गाइस आपको दो PCIe स्लॉट मिल जाते हैं। एक ये है PCIe स्लॉट और एक दूसरा ये इधर दिया गया है PCIe स्लॉट। तो गाइस अब हम इस मदरबोर्ड के PCIe स्लॉट में इस ग्राफिक कार्ड को लगा देते हैं। तो जैसे आपने रैम लगाया सेम इसी प्रकार से आपको इस ग्राफिक कार्ड को भी लगाना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कट दिया गया है, इसी प्रकार से सॉकेट में भी यहाँ पर एक कट है। तो कट्स को मैच करके हमको इस ग्राफिक कार्ड को लगा देना है। तो एज यू कैन सी गाइस हमने सभी कंपोनेंट्स लगा दिया है और हमारा पीसी बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इस पीसी को ऑन करके देखते हैं। तो गाइस आप सभी को अच्छे से समझाने के लिए मैंने इस मदरबोर्ड को अंदर इंस्टॉल नहीं किया है। अगर मैं अंदर इंस्टॉल करता तो आप अच्छे से देख नहीं पाते, तो इसलिए मैंने बाहर रख कर ही इन सभी कॉम्पोनेंट्स को लगा दिया है। तो चलिए गाइस हम देख लेते हैं हमारा ये CPU प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। तो गाइस अब आपको इस मॉनिटर को कनेक्ट करना है इस मदरबोर्ड के साथ। तो मॉनिटर के एक एंड को हमने कनेक्ट कर लिया है इस VGA केबल के साथ और इस दूसरे एंड को हम कनेक्ट करेंगे इस मदरबोर्ड के साथ विद द हेल्प ऑफ दिस VGA केबल। तो गाइस अगर आप ग्राफिक कार्ड नहीं लगाएंगे तो आपको इस VGA केबल को इस मदरबोर्ड में लगाना होगा। लेकिन अगर आप ग्राफिक कार्ड लगाते हैं तो आपको इस VGA केबल को आपको इस ग्राफिक कार्ड में लगाना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राफिक कार्ड में यहाँ पे VGA स्लॉट, HDMI स्लॉट और ये DVI स्लॉट तीनों स्लॉट दिए गए हैं। तो हम इस VGA केबल को लगा देते हैं इस VGA स्लॉट में। तो गाइस हमारा PC बिल्कुल रेडी है। हमने इस VGA केबल को लगा दिया है इस ग्राफिक कार्ड में और हमने वाईफाई अडाप्टर, CPU कूलिंग फैन, SSD, HDD, DVD राइटर, SMPS, RAM सब कुछ हमने लगा दिया है। तो यहाँ पर गाइस हमने इस मदरबोर्ड में सभी कंपोनेंट्स को कर लिया है इंस्टॉल और अब हम CPU को करने वाले हैं ऑन इस पावर स्विच को दबा के। यहाँ पर सामने पावर स्विच दिया गया है CPU का। तो CPU कर लिया है हमने ऑन। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं हमारा PC यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर गाइस आप डिवाइस स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं। इसमें हमने 8GB की RAM लगाई है और ये प्रोसेसर i7 प्रोसेसर है और इसकी क्लॉक स्पीड है 3.40 GHz और इसमें हाइपर थ्रेडिंग भी दिया गया है इस प्रोसेसर में। अभी गाइस हमने इस PC में विंडोज 10 प्रो इंस्टॉल किया है। तो यहाँ पर आप सभी डिटेल देख सकते हैं इस PC की। और यहाँ पर अगर हम इसका स्टोरेज सेक्शन देखें तो इस PC में हमने SSD और HDD दोनों को इंस्टॉल किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों SSD और HDD यहाँ पर दोनों प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो एज यू कैन सी गाइस हमारा PC यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रहा है। यहाँ पर हमने सारे कंपोनेंट्स चेक कर लिए हैं, हमारे सारे कंपोनेंट्स प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। अब आपको इस मदरबोर्ड को इंसर्ट करना है इस कैबिनेट में। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं हमारा PC यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रहा है। हमारे सभी कॉम्पोनेंट्स जैसे कि SSD, हार्ड डिस्क ड्राइव, हमारा DVD राइटर, हमारा रैम, सारे कंपोनेंट्स हमारे प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। और ये जो हमने वाईफाई अडाप्टर लगाया था ये भी आप देख सकते हैं हमारे PC में यहाँ पे वाईफाई का भी कनेक्शन आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा PC यहाँ पे वाईफाई से कनेक्टेड है। तो सारे कंपोनेंट्स हमारे प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। जो कंपोनेंट हमने लगाए हैं सारे कंपोनेंट यहाँ पे प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर ये हमारा ग्राफिक कार्ड भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो अब हम इस मदरबोर्ड को इस कैबिनेट के अंदर कर देते हैं इंस्टॉल। तो यहाँ पर गाइस आप इस कैबिनेट में देख सकते हैं यहाँ पे चार यहाँ पे नट दिए गए हैं,
एक यहाँ पर भी है, एक इधर है, एक इधर है, और इसी प्रकार से हमारे इस मदरबोर्ड में भी यहाँ पे चार होल है, एक इधर है, एक इधर है और एक इधर। तो अब आपको इन स्क्रूज़ का यूज़ करके इस मदरबोर्ड को इस कैबिनेट के अंदर करना है इंस्टॉल। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं हमारा ये कैबिनेट पीछे से कुछ ऐसा दिखता है। तो चलिए गाइस अब हम कर देते हैं इस कैबिनेट को बंद। ये रहा कैबिनेट का ढक्कन, अब हम लगा देते हैं इस ढक्कन को। तो अब हम इन हैंड स्क्रू को दोबारा लगा देते हैं। तो गाइस हमारा ये i7 गेमिंग पीसी बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इस सीपीयू को दोबारा से ऑन करके देखते हैं कि सभी कंपोनेंट्स अच्छे से लगे हैं कि नहीं। तो इसको कर दिया हमने ऑन, और यहाँ पर ये हमारी मॉनिटर भी हो गई है ऑन। तो गाइस आज की इस वीडियो में हमने जो भी कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करके ये पीसी असेंबल किया है, उन सभी कंपोनेंट्स का परचेजिंग लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर दूंगा। उस लिंक की मदद से आप इन सभी कंपोनेंट्स को परचेज करके बिल्कुल ऐसा ही एक पीसी खुद से घर पर असेंबल कर सकते हैं। तो गाइस ये एक बजट गेमिंग पीसी है विद i7 प्रोसेसर, और इस प्रोसेसर की खास बात यह है कि इसमें हाइपर थ्रेडिंग का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, और इस प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड है 3.40 GHz। तो काफ़ी अच्छा प्रोसेसर इसमें दिया गया है, और साथ ही साथ हमने 8 GB रैम भी लगाया है, DDR3 रैम, और साथ ही हमने इस पीसी में SSD और HDD दोनों का ही इस्तेमाल किया है, और इसमें हमने एक ग्राफिक कार्ड भी लगाया है। तो गाइस पीसी असेंबल करने के बाद आपको इसमें विंडोज़ किस प्रकार से इंस्टॉल करना है इस पर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अभी इस पीसी में मैंने विंडोज़ 10 प्रो इंस्टॉल किया हुआ है। तो गाइस आज की इस वीडियो में आपने सीखा किस प्रकार से हम खुद से एक चीपेस्ट बजट i7 गेमिंग पीसी खुद से असेंबल कर सकते हैं। तो गाइस मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि आज के इस वीडियो में मैंने जो भी कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया है, उन सभी कंपोनेंट्स को आप परचेज कर सकते हैं। इन सभी कंपोनेंट्स का मैं परचेजिंग लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा। तो उस लिंक की मदद से आप इन सभी कंपोनेंट्स को डायरेक्टली वन क्लिक में परचेज कर सकते हैं। तो गाइस अगर आज की ये वीडियो आप सभी को पसंद आई हो, प्लीज़ आज की इसी वीडियो का आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो के रिगार्डिंग आपके कोई भी सजेशन है या फिर आपको कोई भी डाउट है, तो आप इस वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं आप सभी के कमेंट्स का रिप्लाई जरूर दूंगा। ऐसे दोस्तों आई होप आज की वीडियो आप सभी के लिए जरूर हेल्पफुल होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आपके कोई भी सुझाव है इस वीडियो के रिगार्डिंग, तो आप इस वीडियो के नीचे देखे कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूबल कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप अभी कभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको इस वीडियो के नीचे देखे लाल कलर के सब्सक्राइब का बटन को अभी कभी दबा देना है, और आप सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले आप हमारी वीडियो देख सकें। तो दोस्तों नमस्कार।